नमस्ते आदाब शास्त्री अकाल, मैं हूं कुणाल। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर पास आउट फ्रॉम आईआईटी धनबाद, बट दिल से मैं क्रिकेट लवर हूं। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट जो हम आपके लिए इस चौपाल में लेके आए हैं वो आ रही है बीसीसीआई की एसजीएम मीटिंग से, जो कि आज होनी थी, जिसके बारे में हमने आपको सनी पार प्ले सेक्शन में भी बताया था। बीसीसीआई की इस मीटिंग में कुछ अहम मुद्दे डिस्कस होने थे, जिसके बारे में हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। सबसे पहला मुद्दा और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो डिस्कस होना था वो था आईपीएल की रीशेड्यूलिंग को लेकर। आईपीएल की रीशेड्यूलिंग को लेकर अब तक बातें चलती आ रही थी कि ये यूएई में होगा, बट अब इसकी पुष्टि कर दी गई है बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला के द्वारा। उन्होंने कहा है कि यूएई में ही इस साल का आईपीएल होगा। पर अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आईपीएल जोरों शोरों से चालू हुआ था, हम सब काफी एंटरटेन हो रहे थे। आरसीबी सीएसके दिल्ली बहुत अच्छा कर रहे थे, आरआर और एसआरएच थोड़ा पिछड़े हुए थे, पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने आईपीएल को रोक दिया। कोविड केसेस बायोबल में आने लगे। सबसे पहला कोविड केस वरुण चक्रवर्ती का था, जिसके बाद कुछ फॉरेन प्लेयर्स के भी कोविड केसेस आए। हालांकि बीसीसीआई ने ये कहा है कि ये आईपीएल 2021 यूएई में इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि उस समय मॉनसून रहता है इंडिया में, पर उन्होंने कहीं पे भी कोविड केसेस का जिक्र नहीं किया है, ना ही इंडिया में आईपीएल को खेलने को लेकर फॉरेन प्लेयर्स की रिलक्टेंसी के बारे में जिक्र किया है। बीसीसीआई का ये यूएई में आईपीएल को कराने का फैसला समझ में तो आता है क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, पर उसके सारे रीजंस खुल के बताए नहीं गए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बीसीसीआई किसी भी तरह इंडिया में ही टी20 वर्ल्ड कप को कराना चाहती है। हालांकि बीसीसीआई के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाली है वो है फॉरेन प्लेयर्स की प्रेजेंस को लेकर आईपीएल में। ईसीबी के डायरेक्टर ने पहले ही साफ कर दिया है कि इंग्लैंड का कोई भी प्लेयर आईपीएल में नहीं खेलेगा, या तो वो रेस्ट करेंगे या तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से भी अभी तक ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है इस बारे में, तो देखना होगा कि बीसीसीआई अब इस मुद्दे पे क्या करता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि फ्रेंचाइजी को लिबर्टी होगी कि वो किसी फॉरेन प्लेयर या डोमेस्टिक प्लेयर को एज अ बैकअप लेके आ सकते हैं। इसके साथ साथ बीसीसीआई भी पूरी कोशिश करेगा हर क्रिकेट बोर्ड से बात करके कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल हो सके आईपीएल 2021 के लिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो इस मीटिंग से निकल कर आई है वो है टी20 वर्ल्ड कप को लेके। बीसीसीआई ने ये तय किया है कि अब वो आईसीसी से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक का टाइम मांगेंगे ताकि वो डिसाइड कर सके कि टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में ही कराना है या यूएई में कराना है। हम आपको बता दें कि आईसीसी की एक मीटिंग होनी है 1 जून को, जिसमें वो डिसाइड करने वाले थे टी20 वर्ल्ड कप के बारे में, पर अब ये ऐसा लग रहा है कि उनको भी अपना डिसीजन थोड़ा डिफर करना पड़ेगा। तीसरी बड़ी अपडेट जो इस मीटिंग से निकल के आई है वो है डोमेस्टिक प्लेयर्स के कंपनसेशन के बारे में। हालांकि ये मुद्दा इस मीटिंग में डिस्कस होना था, पर अनफॉर्चुनेटली ये इश्यू डिस्कस ही नहीं हो पाया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से लास्ट ईयर बहुत ही कम या नहीं के बराबर डोमेस्टिक क्रिकेट खेला गया था, तो ऐसे में उन प्लेयर्स का कंपनसेशन कैसा किया जाए, उनको पेमेंट कैसे किया जाए, इन सब चीजों पर डिस्कशन होना था। क्योंकि काफी डोमेस्टिक प्लेयर्स अब इंग्लैंड जाके बहुत ही कम मैच फी में मैचेस खेल रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इस मुद्दे पर कोई भी डिस्कशन नहीं हो पाया। अगली बड़ी खबर जो इस मीटिंग से निकलकर आ रही है वो है टैक्स एग्जेम्पशन को लेके, जिसका इश्यू बीसीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में काफी दिनों से चल रहा है। एज पर आईसीसी रूल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बीसीसीआई को ये टैक्स एग्जेम्पशन लेना है अगर उसे टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में कराना है तो, जैसा कि 2011 वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था। हालांकि 2016 टी20 वर्ल्ड कप में नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ 10% का ही टैक्स एग्जेम्पशन दिया था। अगर ऐसा ही इस बार भी होता है तो बीसीसीआई को आईसीसी को 200 करोड़ का पेमेंट करना होगा, और अगर कुछ भी टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता है तो बीसीसीआई को आईसीसी को 900 करोड़ का पेमेंट करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू है बीसीसीआई के लिए। इसीलिए बीसीसीआई ने ये रिट्रीट किया है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस इश्यू को जल्द से जल्द रिजॉल्व कराना चाहेंगे, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स में दो ऐसे लोग हैं, जय शाह एंड अरुण धूमल, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के काफी क्लोज रिलेटिव हैं। फिर भी ये इशू काफी दिनों से पेंडिंग है। आखिरी खबर जो इस मीटिंग से निकल कर आई है वो ये है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से फॉर्मर इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ये मीटिंग अटेंड की है, शिवलाल यादव ने नहीं। पिछले दिनों इन दोनों के बीच में रिफ्ट की काफी न्यूज आ रही थी, दोनों से काफी स्टेटमेंट्स आ रहे थे, जिससे एक कंफ्यूजन बना हुआ था कि बीसीसीआई की मीटिंग आखिर कौन अटेंड करेगा। बट अब इस पे पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ये मीटिंग अटेंड की है और ये इनके क्रिकेट एसोसिएशन कैरियर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्रिकेट चौपाल की लेटेस्ट और बड़ी खबर को कवर करने की कोशिश हमने इस वीडियो में की है। वी होप कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलना। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कीजिए ऐसी अपडेट्स के लिए। तो प्लीज टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, स्टे होम, स्टे सेफ, स्प्रेड लव नॉट जर्म्स। थैंक यू।